ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है दोस्तों। सीजीएल 2022 के मेंस में आखिर हमें कितने नंबर लाने पड़ेंगे ताकि हमें एक नौकरी मिल जाए, तो इस वीडियो में दोस्तों हम यही डिस्कस करेंगे कि 2400 ग्रेड पे के कितने नंबर वालों को मिल सकती है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कितने को मिल सकता है, एएसओ सीएसएस में कितने को मिल सकता है। ठीक है, तो सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नौकरी तो दोस्तों टीयर टू के यानी कि मेंस के ऊपर डिपेंड रहेगी, जो कि आपका 390 नंबर का रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि टीयर वन तो क्या है, सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट के टीयर वन की अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है, तो अगर किसी को यह नहीं पता कि टीयर वन में कितने नंबर वाला जो है सिलेक्शन या क्वालिफाई कर सकता है, तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सीजीएल 2022 के मेंस का, के अंदर रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जीके के 25 क्वेश्चन। इन पोर्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इस पोर्शन को एक पार्ट्स में और इस पोर्शन को एक पार्ट में। इसके लिए दोस्तों 60 मिनट हो गए हैं और 60 क्वेश्चन, यानी कि रीजनिंग और मैथ के 30-30 क्वेश्चन। ठीक है, तो 60 मिनट में दोस्तों 60 क्वेश्चन करने हैं। यहां पर इंग्लिश के दोस्तों 45 क्वेश्चन है और जीके के 25 क्वेश्चन है, यानी कि 70 क्वेश्चन है और क्या है 60 मिनट है। ठीक है, यानी कि अलग अलग इनके लिए टाइम मिलेगा, एक घंटा इसके लिए और एक घंटा इसके लिए। ठीक है, वन थर्ड क्या है, इस बार नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 130 क्वेश्चन होंगे और आपका जो है 390 नंबर का ये पेपर होगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। ठीक है, तो 90 नंबर का ये, 90 का मैथ, 135 की इंग्लिश और 75 की जीके, यानी कि सबसे ज्यादा क्या आएगी आपकी इंग्लिश आएगी, फिर आपका रीजनिंग और मैथ और फिर जीके। ठीक है, तो दोस्तों कट ऑफ जो है वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर वैकेंसी कम होगी तो कट ऑफ ऑटोमेटिक थोड़ी हाई चली जाएगी, वैकेंसी थोड़ी ज्यादा है तो कट ऑफ जो है कम आ जाएगी। तो दोस्तों सीजीएल 2020 में अगर मैं आपको 2400 इनके ग्रेड पे की बात करूं कि 4600 ग्रेड पे की, यानी कि 4600 ग्रेड पे क्या होता है, इंस्पेक्टर पोस्ट होता है। इंस्पेक्टर की दोस्तों 2870 पोस्ट थी 2020 में। सीजीएल 2021 में दोस्तों 2025 वैकेंसी और सीजीएल 2022 में अप्रोक्सीमेटली 4800-5000 के आसपास है। ठीक है, यानी कि वैकेंसी तो दोस्तों इंक्रीज हुई है, क्योंकि टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो 37,000 से 38,000 वैकेंसी जो है अभी फिलहाल है। तो 4200 ग्रेड पे दोस्तों 445 है, 360 और यहां पर कितने हैं 1872 है, 2800 ग्रेड पे की 1422 है, 2433 और 4127 है, और 2400 ग्रेड पे यानी कि जो सबसे मिनिमम सबसे लोएस्ट होती है उसकी दोस्तों 1647 और 1505 और 26,405, यानी कि सबसे ज्यादा वैकेंसी सीजीएल 2022 में किसकी है, 2400 ग्रेड पे की। ठीक है, 2400 ग्रेड पे क्या होता है दोस्तों, जो आपका ये कह सकते हैं समझने के लिए एएसआई रैंक। ठीक है, यानी कि इसको हम बोलते हैं टैक्स असिस्टेंट, और जो आपका पोस्ट ऑफिस में इस बार वैकेंसी है। ठीक है, 2800 ग्रेड पे ऑडिटर हो गया, और ये सब इंस्पेक्टर और ये इंस्पेक्टर की पोस्ट, और ये AAO और JSO की पोस्ट भी होती है दोस्तों, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वैकेंसी अगर आपने देखनी है तो ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपना टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, वहां पर भी जो है स्टेट वाइज वगैरह, जैसे ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी डाल रखी है, पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी डाल रखी है, स्टेट वाइज ये आप जो है वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों सीजीएल 2020 का अब फाइनल रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा सा पुराना ट्रेंड भी देखना जरूरी है। तो सीजीएल 2020 के दोस्तों फाइनल रिजल्ट जो है ये आया आपका आउट ऑफ 700। ठीक है, 700 के अंदर से रिजल्ट है दोस्तों। तो 2400 ग्रेड पे की यानी कि कम से कम कितने नंबर लेके आए कि सीजीएल 2020 में जिसका सिलेक्शन हुआ है 526 नंबर्स आउट ऑफ 700। वहीं ओबीसी की अगर मैं बात करूं 517, ईडब्ल्यूएस की 514, एससी की 459 और एसटी की 439 और ईएसएम की दोस्तों 319, यानी कि यूआर और एसटी में दोस्तों लगभग जो है ये अंतर बन गया 85 नंबर का, 85 नंबर का डिफरेंस हो गया इसमें। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं यूआर कैटेगरी 2800 ग्रेड पे की तो 5-7 नंबर ऊपर है, 4200 ग्रेड पे की दोस्तों 560 है, 4600 ग्रेड पे की दोस्तों 550। ठीक है, यानी कि इंस्पेक्टर बनने के लिए कम से कम कितने नंबर लेके आने पड़े सीजीएल 2020 में 550 नंबर वाले का जो है इंस्पेक्टर रैंक पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, वहीं ओबीसी के इतना और ये इतना इतना। ठीक है दोस्तों, ये आपने देख लिया। अब देखो, ये मैंने प्रेडिक्ट किया था दोस्तों सीजीएल 2020 का कि सीजीएल 2020 में 526 गई है, तो मैंने क्या बताया दोस्तों 527। ठीक है, 526.7 गई है, यानी कि 0.30 जो है
मैंने 0.3 यानी कि आधे नंबर से भी कम जो है गई है कट ऑफ। वहीं दोस्तों अगर मैं 2800 ग्रेड पे की बात करूं तो 532 बताई थी, ये दोस्तों 527 गई है, ये 532 बिल्कुल एग्जैक्ट गई है। इंस्पेक्टर की 550 है तो मैंने दोस्तों बताई थी यहाँ पे 549, ठीक है। तो यानी कि ये थोड़ा सा पुराना एक्सपीरियंस है, ठीक है, दो तीन बार सीजीएल हो गया था भाई अपने से भी। तो सीजीएल 2020 में अगर मैं पोस्ट वाइज बात करूं, ठीक है, टीए ये जो सबसे नीचे की जो पोस्ट होती है टीए टैक्स असिस्टेंट 2400 ग्रेड पे की, ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि 526 गई थी, तो ये इस पोस्ट के लिए गई थी, ठीक है। टीए सीबीआईसी एंड टीबी टीए सीबीडीटी 530, ये आप देख सकते हैं ओबीसी कितनी और ईडब्ल्यूएस की इतनी। वहीं अगर मैं बात करूं इंस्पेक्टर की, सबसे जो है इंस्पेक्टर की प्रिवेंटिव ऑफिसर की गई थी, ठीक है, जो कि प्रिवेंटिव ऑफिसर दोस्तों क्या होता है, साउथ में इसकी पोस्टिंग होती है, 550 530 और 532। एक्साइज इंस्पेक्टर की दोस्तों जिसका हमें जो है लगा रहता है कि हम एक्साइज इंस्पेक्टर बनेंगे, 3 स्टार अपने कंधे पर लगवाएंगे, ठीक है, तो दोस्तों आप भी बन सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत और स्ट्रेटजी के तहत आप पढ़ते रहिए तो डेफिनेटली आप बन सकते हो, ठीक है। 527 और 532 डिविजनल अकाउंटेंट की, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की दोस्तों 572 और 545 और ये 550, ठीक है। सीबीआई की दोस्तों 575 है, 560 और ईडब्ल्यूएस के अंदर कोई वैकेंसी नहीं थी सीबीआई की। एमईए की दोस्तों 601 यानी कि सबसे हाईएस्ट जो है कट ऑफ गई थी इसकी, ठीक है। एएसओ की दोस्तों कट ऑफ 587 गई थी, ठीक है, यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से ऊपर गई थी एएसओ एमईए सी इनकी सभी की, ठीक है, इन तीनों की। ये आप देख सकते हैं सीबीआई में अगर जाना है तो आपको अच्छे खासे नंबर लेके आने पड़ेंगे। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि सीजीएल अगर इसकी हम परसेंटेज की बात करें, सीजीएल 2020 की 526 ही आपका बन गया दोस्तों 75%, ये 73, ये 73, 65 और ये 63 और ये ईएसएम का 45%, ठीक है। तो अगर ये इस बार क्या है, अगर 390 है दोस्तों, 390 अगर है आपका, तो ये 75% में क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है 75% में। तो दोस्तों अगर 390 का 75% में अगर हम करेंगे तो ये क्या बन रहा है दोस्तों आपका 292 नंबर, ठीक है। लेकिन सीजीएल 2020 में 7000 वैकेंसी और इस बार 38000 वैकेंसी, तो ऑब्वियसली क्या है, ये जो 292 दोस्तों ये कट ऑफ कहां जाएगी, ये डाउन जाएगी, ठीक है, ये कट ऑफ कहां जाएगी दोस्तों, डाउन जाएगी, क्योंकि वैकेंसी में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, वैकेंसी में इंक्रीज हुआ है। चीजों को शायद समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है, चाहते तो मैं भी एकदम से लिख देता कि ये कट ऑफ, ठीक है, लेकिन नहीं, थोड़ी सी मेहनत की जाए तभी जो है मजा आता है, इसलिए मेरे साथ साथ आप भी ऐसी मेहनत करो दोस्तों, डेफिनेटली आप जो है इस सीजीएल 2022 में नौकरी आराम से पालोगे और मनपसंद की जगह भी। तो दोस्तों ये है आपका 30 क्वेश्चन है, ठीक है, 30 क्वेश्चन है। एक पढ़ने वाला कैंडिडेट दोस्तों 24 क्वेश्चन 30 में से इजिली कर लेगा, 30 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन आराम से कर लेगा जो मुझे लगता है। रीजनिंग में भी दोस्तों 30 में से 26 क्वेश्चन जो है इजिली कैंडिडेट कर सकता है, ठीक है। जहां पर आपकी सहमति ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर हम यहां इस बात से आपसे सहमत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में दोस्तों पढ़ने वाला कैंडिडेट जो है 35 क्वेश्चन इजिली कर लेगा, ठीक है। जीके में दोस्तों कितने 10 क्वेश्चन यहां पे इजिली कर लेगा 25 में से, ठीक है। तो ये बन गए 25 25 50 और 10 60 60 और 35 दोस्तों 95, यानी कि 95 जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका जो सेफ स्कोर का क्वेश्चन रहेगा। 95 क्वेश्चन 130 में से अगर आप 95 क्वेश्चन अभी आप टेस्ट बुक पे मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हो, ठीक है, तो अगर आपका इतना बन रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम सब कुछ मिला करके नेगेटिव वगैरह को काट करके, तो यानी कि यू आर सेफ, आपको नौकरी पक्की मिलेगी, 100% मिलेगी, ठीक है। अगर दोस्तों आप में जुनून है इंस्पेक्टर बनने का तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन 24 को दोस्तों यहां पर 27 तक लेके जाना पड़ेगा, 27 के वसन तक लेके जाना पड़ेगा। इस 26 को रीजनिंग को दोस्तों 28 के वसन तक लेके जाना पड़ेगा। इस 35 को दोस्तों यहां पर 40 तक लेके जाना पड़ेगा और इस 10 को दोस्तों आप चाहे 10 को 10 ही रहने दो, ठीक है। तो ये बन गया आपका 105 के वसन। 130 में से दोस्तों अगर आप 105 के वसन ठीक कर लोगे तो आप इंस्पेक्टर बन जाओगे। तो यानी कि इस तरह से जो है अगर आप करेंगे, देखेंगे, अब हम कैटेगरी वाइज भी देखेंगे आगे, ठीक है। तो यानी कि 105 के वसन चाहिए दोस्तों आपको इंस्पेक्टर पोस्ट लेने के लिए। इसके अंदर क्या है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है,
और टाइपिंग में भी दोस्तों फेल होंगे कुछ कैंडिडेट, 10-15% जो कैंडिडेट जो है टाइपिंग में भी फेल हो जाएंगे, जो सब कुछ क्लियर करेंगे लेकिन टाइपिंग में फेल हो जाएंगे। तो अब देख लेते हैं दोस्तों अपनी फाइनल कट ऑफ, जो मैंने अभी बताया आपको कि कितने क्वेश्चन वाला सेफ रहेगा, ये मैंने आपको बताया दोस्तों यहां पर 95 क्वेश्चन वाला, ठीक है, ये बिल्कुल सेफ है। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, ठीक है, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 93 क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि जिसके 280 नंबर बन रहे हैं अभी भी आज के दिन, ठीक है, या आप ये 250 तक भी बने, अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि सीजीएल 2022 का जो मेंस है वो लगभग मार्च से पहले कोई संभावना नहीं, यानी कि पॉसिबिलिटी अप्रैल में है, पॉसिबिलिटी दोस्तों अप्रैल में होने की है। तो अब देखो 280 नंबर चाहिए मेंस के एक नौकरी लेने के लिए कम से कम, जो कि आपको टाइपिंग वाली नौकरी मिलेगी, ठीक है, इसलिए जिसकी टाइपिंग स्पीड नहीं है, टाइपिंग आपकी उसी दिन होगी, इसलिए अपने टाइपिंग को दोस्तों अच्छे से कर लें, अच्छे से तैयारी कर लें टाइपिंग की अभी, क्योंकि वो जो बाद में टाइम बचेगा वो आपका ताकि सीजीएल के मेंस पे लगा जाए, ठीक है, मैथ रीजनिंग पे लगाया जाए। अब ओबीसी के लिए दोस्तों 265, ईडब्ल्यूएस के 260, एससी के लिए 225, एसटी के लिए 210 और ईएसएम के लिए 170। दोस्तों ईएसएम कैटेगरी को भी अब जो है हम ऐड कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट का जो है मतलब मारने को हो गए थे मुझे ईएसएम वाले कि सर आप ईएसएम का क्यों नहीं बताते, कि ईएसएम का क्यों नहीं बताते, तो भाई सभी जगह मैंने ईएसएम का जो है जोड़ लिया है। तो 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे की दोस्तों 315, ठीक है, जो यहां पर हमने डिस्कशन किया कि 105 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, और ये 105 क्वेश्चन कोई बड़ी बात भी नहीं है, कभी आप ये सोचो कि करेंगे नहीं, ये देखो आप इजिली आप मैथ के अंदर 27 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अच्छा प्रयास करोगे, रीजनिंग में 28 क्वेश्चन, ठीक है, मान लिया मैथ में अगर एक दो क्वेश्चन कम भी है तो कहीं ना कहीं उसको जो है जीके के अंदर इंप्रूवमेंट कर लो, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन की जगह यहां पर 12 कर लो, यहां पर 25 कर लो, ठीक है, यानी कि वो अपने हिसाब से पेपर में के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह का कौन सा आसान आया है, लेकिन एसएससी का जो लेवल बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस उसके अंदर 19-21 रहता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया दोस्तों यहां पर 315, ओबीसी के लिए 300 और ईडब्ल्यूएस 302। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी दोस्तों कट ऑफ जो है इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो है ज्यादा जाती है ओबीसी कैटेगरी से, ठीक है, ये मैंने आपको दिखा भी देता हूं, मैं आपको अगर आपको थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया हो तो, इसलिए ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट जो है यहां पर आप देखेंगे 4200 और 4600 ग्रेड पे में 530, ओबीसी के दोस्तों 532 है, यहां पर 4200 ग्रेड पे की 541 है तो ये 547 है, ठीक है, ये 578 तो ये 581 है, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है दोस्तों वो ज्यादा जा रही है एज कंपेयर टू ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, ओबीसी से थोड़ी सी ज्यादा जा रही है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के पहले सर्टिफिकेट नहीं होते थे, कम बनवाते थे, लेकिन अब सभी ने जो है स्टार्ट कर दी, तो ये चीज है। तो अब दोस्तों अब अपना आ गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जिसका कि एक रुतबा ही है सीजीएल के अंदर कि हाँ सीजीएल जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनके नाम पर ही जाना जाता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों 325 जो है, 325 यानी कि 110 क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप 110 क्वेश्चन तक ठीक कर देते हो, यानी कि अगर आप यहां पर 5 क्वेश्चन और बढ़ा देते हो दोस्तों जीके के अंदर, तो आप जो है क्या बन जाओगे दोस्तों इंस्पेक्टर से अगली प्रमोशन, यानी कि कह सकते हैं हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है, एक जैसे इंस्पेक्टर में प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर वो भी इंस्पेक्टर ही है, ठीक है, इसका थोड़ा सा रुतबा अलग है। तो ये है दोस्तों 315 और 318 ईडब्ल्यूएस के लिए, इनके लिए नहीं लिखी दोस्तों। सीएसएस के लिए दोस्तों 335 दोस्तों, और ओबीसी के लिए 320 और ईडब्ल्यूएस के लिए 325, एमईए के लिए दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इसके लिए दोस्तों 345, 330 और 335, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट था एक कि सर सीजीएल 2022 में आपने सीबीआई की वैकेंसी नहीं बताई, भाई सीबीआई की वैकेंसी का अभी पता नहीं लगा है, ठीक है, और सारी की सारी वैकेंसी मैंने बता रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा कि 2400 में आखिर इंस्पेक्टर की कौन कौन सी इंस्पेक्टर की कितनी कितनी पोस्टें हैं, ठीक है, वो सारी चीजें दोस्तों मैंने बता रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अपना टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी वैकेंसीज वगैरह की, और जो भी है एडमिट कार्ड लिंक है, फॉर्म है, ये सारी चीजें वहां पर जो है दोस्तों टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और
एसएससी से रिलेटेड हर अपडेट पाने के लिए, खासकर सीजीएल से अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने दोस्तों।